हेलो एंड वेलकम बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ मेकअप ट्यूटोरियल। फर्स्ट इसमें हमने क्या करा था, ब्राउन कोवर लुक को मैंने आपके साथ शेयर करा था, और इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ बेस मेकअप शेयर करने वाली हूँ, स्टाइलिंग मेकअप शेयर करने वाली हूँ, किस तरह से मैंने लुक को स्टाइल करा हुआ है। और मैंने जो ब्राउन कोवर लुक आपके साथ शेयर करा था ना, उसमें मैंने आपके साथ दो टेक्निक शेयर करी थी। फर्स्ट आइज पे अलग करी थी और दूसरे आइज पे हमने अलग टेक्निक करी थी। तो जो भी आपको इजी टेक्निक लगी है तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद उसको आप खुद ट्राई करिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता होता है कि किस तरह की टेक्निक्स उन्होंने फॉलो करी है, किस तरह की टेक्निक्स होती है। तो आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको इजीली जो आई मेकअप मैंने आपके साथ शेयर करा है वो आ जाएगा। और इस आई मेकअप को मैंने मतलब ब्राउन के साथ आपके साथ शेयर करा है, तो सेम आई मेकअप को मैं कलरफुल आई शेडोज लेके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपकी जो अगर ड्रेस पिंक हो या फिर ब्लू हो या फिर ग्रीन हो, तो इस तरह के कलर्स लेके भी हम सेम आई मेकअप को अलग अलग आई शेडो के साथ लेके कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जल्दी। और एक बात यह है कि मैंने पहला जो आपके साथ था ब्राउन स्मोकी आई इस वाले आईज पे करा था ना, जो लुक मैंने उसका जो ट्रांजिशन शेड था ना, उसकी क्लिप मेरे से डिलीट हो गई थी, तो सॉरी फॉर दैट। और फिर आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट विथ अपना करेक्शन। तो करेक्शन से पहले हमें क्या करना होता है, स्किन को प्रेप करना होता है, तो वो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ शेयर करा था। तो अभी हम डायरेक्ट जो करेक्शन की स्टेप है उस पर चलते हैं। तो मेरे स्किन में बहुत सारे डार्क सर्कल्स है और पिगमेंटेशंस भी है, और अराउंड द माउथ में भी थोड़ा बहुत डार्कनेस है। आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ना, जहाँ पे भी मैं दिखा रही हूँ, इस जगह पे ना छोटे छोटे रेड स्पॉट्स आ गए थे। तो रेड स्पॉट्स को क्या काटता है, ग्रीन करेक्टर काटता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ग्रीन करेक्टर यूज़ करना है। अगर आपके बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स है अलग अलग जगह पे, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ डॉट डालेंगे, जैसे हम डॉट्स डालते हैं ग्रीन कलर करेक्टर का, और उसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे, मतलब हल्का हल्का सा लगाएंगे, और ब्यूटी ब्लेंडर से उसको हमें ब्लेंड करना है। यहाँ पे हमें डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है गाइस, वेट ब्यूटी ब्लेंडर नहीं चलेगा, क्लियर। इसलिए हमें डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, और बिल्कुल नो प्रेशर में हमारा ब्यूटी ब्लेंडर चलना चाहिए। अगेन, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस बहुत तेज की मार रहे हैं अपनी स्किन पे। इसलिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपको ब्लेंड करना है, जिससे कि हमारा स्किन में हल्का सा जो करेक्टर का है वो स्टेप करा है हमने, वो ब्लेंड हो जाए, ना कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर हम क्या कहते फाउंडेशन लगाएंगे तो वो उठ के नहीं आएगा हमारा फाउंडेशन, इसलिए हमें हल्का हल्का सा ब्लेंड करना है, ठीक है। देन करेक्शन के बाद हमारा जो स्टेप आता है वो है फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैंने मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ करा है, फिट मी वाला, और दूसरा जो फाउंडेशन है वो कलर बार का लिया है। दोनों को मिक्स करके मैंने फाउंडेशन लिया है, और दोनों मेरे जो शेड्स है, स्किन शेड है, उसी के हिसाब से है। बट ये जो दोनों फाउंडेशन है वो आपको फुल कवरेज नहीं देंगे, ये मीडियम कवरेज देगा आपको। डेली बेसिस के लिए ये जो फाउंडेशन है लाइट टू मीडियम कवरेज देता है, बट फुल कवरेज वाले फाउंडेशन नहीं है, तो थोड़ा बहुत कवरेज आ जाना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों जो फाउंडेशन है इनको मिक्स करा है, और उनको अगेन हमारा डैम ब्यूटी ब्लेंडर है उससे आपको ब्लेंड करना है। आप अपने हिसाब से कैसे भी करके लगा सकते हैं फाउंडेशन को, आप उंगली से प्रीफर कर रहे हैं, या फिर आपको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्टली लगा रहे इस तरह से, या फिर आपको ब्रश से लगाना कंफर्ट है, आप किसी से भी लगा के उसको ब्लेंड कर सकते हैं। आपको अगर ब्लेंडिंग में ब्रशेस से ब्लेंडिंग नहीं हो रही, तो आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रशेस में कम्फर्टेबल है, तो आप ब्रशेस से पहले अच्छे से अपना जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड करिए, देन आप उसको अगेन जो ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं उनसे हल्का हल्का सा मतलब डैम करेंगे, तो जो ब्रिसल्स होते हैं ना ब्रशेस के, वून के जो हार्शनेस होती है वो नहीं दिखेगी ब्यूटी ब्लेंडर से। तो इसलिए आपको ब्रशेस यूज़ करने के बाद भी हल्का हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर से उसको आपको ब्लेंड करना है, जिससे कि आपका जो बेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, एकदम सॉफ्ट लगे, सटल लगे, कहीं से भी पैची ना लगे, कहीं से भी एक जगह से ऐसा नहीं लगे कि एक जगह ज़्यादा हो गया और एक जगह कम हो गया। इसलिए बिल्कुल आपको हल्का हल्का लगाना है, और बिल्कुल अगेन नो प्रेशर में आपको जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो चलाना है। देन हमारा जो स्टेप आता है वो आता है कंसीलर का, मतलब कंसीलर हम क्यों लगाएंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे लगाएंगे टू हाईलाइट्स द पॉइंट्स।
तो यहाँ पे मैंने कंसीलर के लिए स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगाया है, और मैंने जहाँ पे अभी दिखाया था कि फाउंडेशन लगाने के बाद भी जो मेरी पिगमेंटेशन है वो साइड साइड से गही नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा लगाया है, अंडर आई करी है और अपने फोरहेड पे लगाया है, और मतलब जहाँ जहाँ आपको लगेगा ना कि आपके ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं फाउंडेशन लगाने के बाद भी, वहाँ वहाँ पर आपको जो हाईलाइटिंग का प्रोसीजर है, कंसीलर है, वो लगाना है, और अगेन आपको उसको हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करना है नो प्रेशर में, क्योंकि आपका फाउंडेशन अब एक लेयर दे के गया है, तो आपको अब उसको कंसीलर की लेयर, एक हाईलाइटिंग की लेयर देनी है, जिससे कि आपका जो मेकअप है वो पॉप आउट हो, इसलिए आपको हाईलाइटिंग का प्रोसीजर करना पड़ता है, क्योंकि फाउंडेशन से हाईलाइट्स नहीं होते हैं, इसलिए जो हमारे हाइस्ट पॉइंट्स होते हैं उनमें हाईलाइट्स करना होता है। देन जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है पाउडर का, क्योंकि अभी अब तक हमने सारे लिक्विड प्रोडक्ट अप्लाई करे हैं, तो लिक्विड प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि हमें एक बेस चाहिए होता है अच्छा सा, तो उसको लॉक करने के लिए हमें पाउडर लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं अब भूत बन के बैठ गई हूँ, और हम मैंने जो फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करा था आई मेकअप वाला, उसमें जो इनर आईज़ पे हम आई शेडोज़ लगाते हैं वो पार्ट नहीं दिखाया था, तो मैं यहाँ पे आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक ब्लैक आई शेडो लिया है, जो हमने पहले ब्लैक कलर लिया था वैसे ही स्टेप प्रोसीजर को हमें रिपीट करना है। ब्लैक आई शेडो लिया है और उसको अगेन हल्के हल्के हाथों से दोनों आईज पे लगा के ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल अगेन नो प्रेशर में आपको ब्लेंड करना है। अगेन आपको थोड़ा प्रोडक्ट लगता है तो और लेके हल्के हल्के हाथों से इसके आपको ब्लेंड करना है। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक आई शेडो लगाने के बाद मेरा जो ब्रश है वो ब्लैक कलर का हो गया था, तो मैंने उसको क्लीन करा है, क्योंकि अगर हम ब्राउन के साथ मिक्स करके तो ब्राउन दिखता ही नहीं, सिर्फ ब्लैक आई शेडो शो होता, इसलिए हमें उसको क्लीन करना है ब्रश को। और सेम ब्रश से मैंने क्या करा है, ब्राउन आई शेडो लिया है, क्योंकि हमने सेकेंड जो स्टेप करा था आई मेकअप में वो डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करा था, तो इसलिए मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, और जहाँ पे हमने ब्लैक आई शेडो लगाया है बिल्कुल उसके साथ में हम मैंने जो ब्राउन आई शेडो है वो लगाया है। अगेन हमें अच्छे से उसको ब्लेंड करना है, जैसे जैसे आपको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रोडक्ट्स लेना है, और उसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करा है मैंने। देन हमारा आता है ट्रांजिशन शेड, हमने सबसे लास्ट में या फिर फर्स्ट में बोलो ट्रांजिशन शेड अप्लाई करा था, तो अगेन अब हमें ट्रांजिशन शेड लेना है, और अगेन आपको हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ले लेके हमें उसको ब्लेंड करना है। अब मेरी आईज़ कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूँगी कि जो हमने पाउडर लगाया था उसको पूरा हमें हल्के हल्के हाथों से डस्ट ऑफ करना है, बहुत प्रेशर लगा के हमें ब्रश को अपनी स्किन पे नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जो हमने पाउडर लगाता है उसको हटाना है, और जितना भी फॉल आउट हुआ था वो पाउडर के साथ निकल भी जाएगा हमारा, और फिर अपने ब्रश को अच्छे से डस्ट ऑफ करना है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारे मतलब पाउडर हल्का हल्का सा भी बच जाता है उसको इस तरह से आपको ब्लेंड करना है। देन पाउडर लगाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कॉन्टोर का स्टेप आता है, तो कॉन्टोर के लिए मैंने यहाँ पे छोटी सी कफ्स एंड लैशेस की डिब्बी है वो यूज़ करी हुई है, ये हमें गुडी बैग में रिसीव हुई थी। तो जहाँ जहाँ हमें मतलब हॉलोज ऑफ चीक्स हो गए हैं, हमारे जॉ लाइंस हो गई है, फोरहेड हो गया है, इस तरह के हमें प्लेसेस में मतलब शाडो क्रिएट करनी होती है, तो वहाँ वहाँ पे मैंने लगाया है। और हमें जब भी मतलब कॉन्टर लगाना होता है हमें हॉलोज ऑफ चीक्स पे, तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो ब्रश है वो चलना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलने से वो जो ब्लेंडिंग होती है वो हार्श दिखती है, इसलिए हमें ऊपर की डायरेक्शन में हमारा ब्रश चलना चाहिए। देन हमें जॉ लाइंस पे भी इस तरह से लगाना है, और अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा चबी है ना तो आप थोड़ा सा जॉ लाइन के अंदर से भी अपनी जो कॉन्टोर की शाडो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फोरहेड पे भी आपको इसी तरह से लगाना है, और थोड़ा सा फोरहेड पे ब्लेंड करने के बाद जहाँ पे हमारी हेयर ग्रोथ है मतलब हमारे जहाँ से बाल स्टार्ट होते हैं उस डायरेक्शन में भी आपको जो कॉन्टोर की प्रोसीजर है वो करनी होती है। इस तरह से आप अपने जो सारे मतलब शाडोज़ क्रिएट करने वाले पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपको काउंटर करना है। देन हमारा जो स्टेप आता है वो है ब्लश का, तो ब्लश के लिए मैंने अगेन जो छोटी सी डिब्बी आई है मेरे पास कफ्स एंड लैशेस की वही यूज़ करी हुई है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको इजीली कफ्स एंड लैशेस की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट करें। और ब्लश को मैंने अपने एप्पल ऑफ चिक्स से थोड़ा सा अपवर डायरेक्शन में की ऊपर की साइड इस तरह से,
और उसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करा। जैसे जैसे आपको लगता है कि और ब्लश चाहिए तो हल्का हल्का आप ब्लेंड करें और लेके जाए प्रोडक्ट और ब्लेंड करते जाइए। देन मैंने यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करना है, तो हाइलाइटर के लिए मैंने छोटा टाइनी सा ब्रश करा यूज़ करा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के छोटे ब्रश से ना हाइलाइटिंग बहुत अच्छे से होती है एज़ कम्पेयर टू द फैन ब्रश। मेरे पास फ़ैन ब्रश है बट मुझे उससे कम्फर्ट नहीं आता है, इसलिए जहाँ जहाँ आपको हाईलाइटिंग की ज़रूरत होती है या फिर लगता है वहाँ वहाँ पर अपने हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो फोरहेड हो गया, ये जहाँ से अभी मैं कर रही हूँ क्या कहते हैं वहाँ पे ब्राउ बोन हो गया है, नोज़ हो गई, इस तरह की जो सारी जगह होती है जहाँ हमें मतलब जो लाइटिंग पड़ती है हमारी, तो हमारा फेस थोड़ा सा ग्लोई शाइनी दिखना पड़ता है, तो वहाँ वहाँ पर हमें हाईलाइट्स करना होता है, हाईलाइटर लगाना होता है। देन मैंने डायरेक्ट लिपस्टिक लगा ली और लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की लिपस्टिक यूज़ करी है, काफ़ी अच्छा शेड है, बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करता है, बट मुझे इसका शेड नंबर पता नहीं है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और देन मैंने यहाँ पे अपना जो क्या कहते हैं आईब्रो फिल करना भूल गई थी, तो मैं वो आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पर ये मिस क्लेयर की पेंसिल यूज़ करी है, आई थिंक इसको 2-2.5 साल हो गए हैं मेरे पास है और अभी तक ख़त्म नहीं हुए। इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कवरेज भी देती है और मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी है और अफोर्डेबल रेट में आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगी। आपको जब भी मतलब ब्राउज फिल करने हैं तो लाइन में नहीं ब्राउज फिल करनी है, हमेशा स्ट्रोक बनाने हैं आईब्रो फिल करने के लिए, और उसके बाद आपको हल्का हल्का सा उसको ब्लेंड करना है, स्मर्ज करना है आईब्रो में इस तरह से। देन मैंने यहाँ पे अपना जो मस्कारा है वो लगाया है, और मस्कारा के आपको अगर बहुत ज़्यादा मतलब वॉल्यूमनाइज मस्कारा मतलब लगाना है आपको, तो 2 या फिर 3 कोट लगाओगे जब जाके आपके जो लैशेस है लिफ्ट होंगी, अच्छी दिखेगी। यहाँ पे मैं साड़ी चेंज करके बैठ गई हूँ और मैं यहाँ पे आपके साथ इंडो वेस्टर्न लुक और शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए ये सारा गेटअप रेडी करा है मैंने। और यहाँ पे मैंने स्लीक बन बनाया हुआ है और ईयरिंग्स भी इस हिसाब से पहनी है थोड़ा सा, जैसे कि जो लुक है वो इंडो वेस्टर्न आ जाए। और ये इसका क्लोजअप लुक है गाइस, तो आप देख सकते हैं कि क्लोजअप में कितना फिनिश लुक आया है, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो ये था आज का वीडियो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, स्पेशली जो आई में लुक मैंने आपके साथ शेयर करा है वो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।